आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपना पीवीसी आधार कार्ड कैसे घर बैठे मंगा सकते हैं। पीवीसी आधार कार्ड एटीएम कार्ड जैसा प्लास्टिक का होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है। इसको रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये पानी में ये ख़राब नहीं होगा। साथ साथ इसके को कैरी करने में इसको आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। घर बैठे आप अपना पीवीसी आधार कार्ड कैसे मंगवाएं, ये सीखते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आधार पीवीसी कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे मंगा सकते हैं भारत सरकार से, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल से कैसे पीवीसी आधार पीवीसी कार्ड घर बैठे मंगा सकते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे आएंगे और क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों UIDAI.gov.in ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो इस तरह से आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार की वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे गेट आधार पे। तो गेट आधार को टच करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको गेट आधार में लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर है, बुक एन अपॉइंटमेंट है, चेक स्टेटस है, डाउनलोड आधार है, रिटाइव यूआईडी और ईआईडी है, आधार रिप्रिंट है, चेक आधार स्टेटस रिप्रिंट है और ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड है। तो हम लोग ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड सेलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आधार नंबर। तो आप अपना आधार नंबर देंगे। मैं अपना आधार नंबर दे रहा हूँ। और यहाँ पे यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे और यदि है नहीं टिक लगाएंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पे जो अभी आपका मोबाइल नंबर है वो देंगे। यदि आपका रजिस्टर है ऑलरेडी तो आप लोग इस पर टिक नहीं लगाएंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ जाएगा तो वो ओटीपी हम लोगों को यहाँ पे देखिए हमारे पास ओटीपी आ गया है। अब हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। और सबमिट कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को भी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आपका आधार खुल के आ जाएगा। आप अच्छी तरह देख लेंगे ये मेरा आधार है या नहीं। उसके बाद मेक पेमेंट पे चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको सिर्फ 50 रुपये पे करना है। तो मैं अपने यूपीआई से पेमेंट करूंगा। तो मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद गूगल पे है तो मैं गूगल पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आप अपना यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी जो है ये डालिएगा। आईडी डालना है जिस यहाँ
यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लूँगा और प्रोसीड कर दूँगा। तो इस तरह से हम पेमेंट जैसे ही करेंगे दोस्तों, हम जैसे ही पेमेंट करेंगे तो देखिए हमें पेमेंट का नोटिफिकेशन मैसेज आ गया है। अभी मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो जैसे ही पेमेंट होगा तो उसके बाद आपका SRN नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरह से आप डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें बहुत अच्छा डिटेल रहता है, आपका SNR नंबर रहता है, ये रहता है कि आपने, और इसको अपने मोबाइल पे सेव कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ या इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।